पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारा गठबंधन पीडीए व इंडिया प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोक जागरण अभियान के अंतर्गत बांदा में आयोजित 2 दिवसीय समाजवादी प्रशिक्षण शिविर के समापन पर संबोधन में कहा कि भाजपा भेदभाव करती है, झूठ बोलती है, भाजपा सरकार हर योजना में भ्रष्टाचार है। यह समाजवादी पार्टी के कामों की नकल तो करना चाहती है पर कर नहीं पा रही। अगर हम समाजवादियों ने लोगों को नहीं जगाया तो भाजपा लोगों को अंधकार में ले जाएगी। समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि जनता के बीच पहुंचकर उन्हें सच्चाई बताएं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिखाया और जिस तरह पर नेताजी चले वो सपना कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया था। देश में समानता हो, गैर बराबरी खत्म हो, समता मूलक समाज हो, उसी रास्ते पर चलना है। उन्होंने कहा कि हमारे आप सामने इतनी चुनौतियां हैं, जिस दल से समाजवादी पार्टी का मुकाबला है भगवान की कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के संघर्ष को याद किया उन्होंने। तुलसीदास और भगवान राम को याद करते हुए कहा कि बुंदेलखंड में सब कुछ है। समाजवादी सरकार में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर स्टेडियम बना, 500 बेड का अस्पताल बनवाया, भाजपा सरकार इसे नहीं चला पाई। उन्होंने समाजवादियों का काम गिनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध के साथ असमानता बढ़ती जा रही है, समाज को बांटने की साजिश हो रही है। समाजवादी पार्टी का मुकाबला भाजपा की षड्यंत्रकारी नीति और झूठे प्रचार से है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पास महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर कोई जवाब नहीं है। महंगाई को विरोध करने वाले भाजपा सरकार जेल भेजकर प्रताड़ित कर रही है। वाराणसी में टमाटर की महंगाई को लेकर आवाज उठाने वाले पिता पुत्र को सरकार ने जेल भेज दिया। बेरोजगारी पर सवाल करने पर मुख्यमंत्री जनसंख्या की बात करते हैं, नौजवानों के पास नौकरी रोजगार नहीं है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। टमाटर महंगा बिकने से किसानों को लाभ हो रहा है, यहाँ किस किसान भाई के महंगे टमाटर का लाभ मिला। गंगा मैया को साफ करने की कसमें खाने वालों ने आज क्या हालत बना दी। भाजपा ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान को फसल की लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। हम लोग रणनीति बनाकर भाजपा का मुकाबला करेंगे, उसे हराएंगे। आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध चरम पर है लेकिन भाजपा सरकार का समस्या स्वीकार नहीं कर रही है, इसी पतन का कारण बनेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर प्रदेश की 80 सीटें जीतने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बांदा, समाचार 24।